इस मूवी का नाम है वेस्पर। कहानी की शुरुआत में हम फ्यूचर का सीन देखते हैं जिसमें ह्यूमंस की मॉडिफाइड एंटिटीज पर फालतू के एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से अर्थ का इकोसिस्टम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। एक्सपेरिमेंट्स के बाद सभी वायरसेस और ऑर्गेनिजम्स इस तरह फेल गए कि उन्होंने ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस को खत्म कर दिया। जो ह्यूमंस बच गए थे वो क्लोज्ड सिटीज में अपनी अलग जगह बनाने लगे थे जिस जगह को साइटेडल कहते हैं। लेकिन इस शहर में सभी को एंट्री नहीं है, बाहर कुछ ऐसे सर्वाइवर्स है जो जिंदा रहने के लिए साइटेडल के ट्रेड किए हुए सीड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन सीड्स से सिर्फ एक बार ही फसल उगाई जा सकती है। इन सर्वाइवर्स में ही वेस्पर नाम की 13 साल की लड़की है जो अपने पैरालाइज्ड पिता डेरियस के साथ रहती है। उसे कंपनी देने के लिए डेरियस के माइंड को एक ड्रोन में अपलोड किया गया है जो हर समय उसके साथ रहता है। वेस्पर काफी स्मार्ट है, उसे बायोलॉजी की नॉलेज है। वो प्लांट्स और बग्स को ढूंढकर एक पुरानी लैब में उन पर रिसर्च करती है। वो अपने पिता को जिंदा रखने के लिए उस मशीन का भी ध्यान रखती है जिससे उसके पिता की बॉडी को कनेक्ट किया गया है। डेरियस अपनी बेटी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है। वेस्पर जब भी इस जगह से बाहर निकलने की बात करती है तो डेरियस उससे इस बारे में बात करने से रोकता है। एक दिन वेस्पर जब घर वापस आती है तो वो देखती है कि उनके जनरेटर्स के कुछ पार्ट्स चुरा लिए गए हैं। इस जनरेटर से ही पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चलती थी और डेरियस की मशीन भी इस वजह से चलनी बंद हो गई थी। उसे अपने पिता को जिंदा रखने के लिए उस मशीन को ठीक करना होगा, इसलिए वो पास के फार्म में हेल्प मांगने जाती है। वहां जब वो पहुंचती है तो देखती है कि एक जग से वो लोग परेशान है। असल में जग एक जेनेटिकली बनाया गया ह्यूमन है जिसे लेबर के तौर पर यूज किया जाता है। ये जग काम करते समय चोटिल हो चुका था और अब इन लोगों के काम का नहीं था, इसलिए उनका लीडर जोनस, जो कि डेरियस का भाई है, एक लड़के को ऑर्डर देता है कि वो उसे खत्म कर दे। जोनस कहता है कि उसके दिल में जग्स के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ एक लैब में बनाया गया है। जब ये लड़का उसे मारने की कोशिश करता है तो जग वापस लड़ने की कोशिश करता है और रोने लगता है, लेकिन आखिर में उसे मार ही दिया जाता है। वेस्पर जोनस से मिलकर उससे कुछ बैक्टीरियाज मांगती है जिससे उस जनरेटर को दोबारा पावर मिल सकेगी। इसके बदले में वो उसे अपना ब्लड डोनेट करेगी। जोनस के लिए ब्लड काफी वैल्यूएबल है क्योंकि साइटेडल से सीड्स परचेस करने के लिए ब्लड उसके काम आएगा। वेस्पर के बड़े हो जाने के बाद उसके ब्लड की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए जोनस उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसके फादर का भी ध्यान रखेगा। वेस्पर उसके ऑफर को मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि वो उसे अपना नौकर बना लेगा और जोनस एक बुरा इंसान है। ब्लड डोनेशन हो जाता है लेकिन जोनस वेस्पर को बैक्टीरिया देने से मना कर देता है और कहता है कि पहले मैं तुम्हारा ब्लड भेजूंगा जिससे कुछ दिन लग जाएंगे। लेकिन डेरियस बिना मशीन के इतने दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए वेस्पर गुस्से में खुद बैक्टीरिया लेने की कोशिश करती है, लेकिन जोनस उसे धक्का मार कर बाहर निकाल देता है। वेस्पर हार नहीं मानती और चुपके से कुछ देर बाद फार्म के एक होल से अंदर एंट्री करती है। जोनस का असिस्टेंट उसे देख लेता है लेकिन वो उसे रोकता नहीं। वेस्पर जोनस की लैब में एंटर करती है और बैक्टीरिया निकाल लेती है। मौके का फायदा उठाकर वेस्पर जोनस के सीड्स भी चुरा लेती है जो जोनस ने साइटेडल से खरीदे थे। घर की तरफ वापस आते समय उसकी नजर साइटेडल के एक ग्लाइडर पर पड़ती है जो अजीब तरह से उड़ रहा था। वो घर पहुंचकर जनरेटर को ठीक करती है और फिर वो सीड्स को फर्टाइल कैसे करना है उस पर काम करना शुरू करती है। इस उम्मीद से कि इस रिसर्च की वजह से उसे साइटेडल में रहने के लिए जगह दे दी जाएगी। डेरियस उसे समझाता है कि चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो उन्हें साइटेडल में कभी एंट्री नहीं दी जाएगी। वेस्पर को ये बात काफी बुरी लगती है और वो रोते हुए अपने घर से भाग जाती है। भागते हुए उसे जंगल में एक लड़की बेहोश मिलती है और उसके कपड़ों से साफ पता चलता है कि वो साइटेडल की है। वहाँ के जंगली पौधे उसे खाने लगे थे। वेस्पर सभी जंगली पौधे को उससे हटा देती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। उसके घाव पर वो एक सिंथेटिक पैच लगाती है जिसे उसने खुद बनाया है। शाम को जब उस लड़की को होश आता है तो उसे वेस्पर और डेरियस की आवाज आती है जो कि इस बात पर बहस कर रहे थे कि इस लड़की के साथ उन्हें क्या करना चाहिए। वेस्पर को लगता है कि वो उन्हें अपने साथ साइटेडल ले जाएगी, लेकिन डेरियस उस पर भरोसा नहीं कर सकता। वो वेस्पर को समझाता है कि उन्हें उस लड़की को जंगल में ही मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। लड़की ये सब बातें सुनकर डर जाती है और एक चाकू निकालकर अपने पिलो के नीचे छुपा लेती है। तभी वहां पर वेस्पर आती है। लड़की उसे बताती है कि उसका नाम कैमेलिया है और वो उस ग्लाइडर में थी जिसे वेस्पर ने कल देखा था। वो ग्लाइडर असल में क्रैश हुआ था जिसमें कैमेलिया अपने पिता के साथ थी, लेकिन क्रैश के बाद वो दोनों अलग हो गए थे और अब वो अपने पिता को ढूंढने के लिए जाना चाहती है। कैमेलिया अभी इतनी फिट नहीं हुई कि वो खुद चल सके, इसलिए वो वेस्पर से कहती है कि उसकी हेल्प के बदले वो उन्हें कुछ रिवॉर्ड देगी। वेस्पर अपने पिता के मना करने के बाद भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। डिनर करते टाइम कैमेलिया को पता चलता है कि डेरियस साइटेडल की आर्मी को सर्व करता था और उस दौरान ही उसकी हालत हुई थी। साइटेडल वालों ने उनकी कोई हेल्प नहीं की और उन्हें सिर्फ एक ड्रोन देकर यहाँ छोड़ दिया, इसलिए डेरियस को साइटेडल के लोगों पर ट्रस्ट नहीं है। अचानक डेरियस को दौरे पड़ने लगे थे, तभी कैमेलिया कुछ अजीब करती है। वो डेरियस को किस करती है जिसके तुरंत बाद डेरियस को नींद लग जाती है। ये देखकर वेस्पर हैरान रह जाती है। अगली सुबह वेस्पर कैमेलिया के फादर की तलाश के लिए निकलती है। उसे ग्लाइडर मिल जाता है जिसमें कैमेलिया के फादर एलियास थे, लेकिन वो वहाँ अकेली नहीं थी। जोनस और उसका ग्रुप भी वहाँ क्रैश को देखने पहुंचा था। जोनस ग्लाइडर के पास पहुंचता है। एलियास उससे हेल्प मांगता है लेकिन जोनस उसे इग्नोर करता है और तुरंत उसे मारने का डिसाइड करता है क्योंकि वो साइटेडल से है।
वेस्पर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जोनस उसे धक्का मारता है। उसे शक होता है कि एक स्ट्रेंजर के लिए वेस्पर को इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। जोनस को ग्लाइडर में लेडी स्कार्फ भी मिलता है, जिससे उसे और शक होता है कि कोई और भी पैसेंजर उसमें था। डेरियस वेस्पर को सजेस्ट करता है कि वो कैमिलिया को बताए कि उन्हें कुछ नहीं मिला और वो लोग साइटेरल को उनके बारे में इन्फॉर्म कर दे, इससे पहले कि कैमिलिया कुछ करे या जोनस कैमिलिया को ढूंढ ले। लेकिन जिस ट्रांस रिसीवर से वो साइटेरल को इन्फॉर्म कर सकते हैं वो सिर्फ जोनस के घर पर है। घर पहुंचकर वेस्पर कैमिलिया को बताती है कि उन्हें कुछ नहीं मिला और प्रॉमिस करती है कि वो अगले दिन दोबारा उसके फादर की तलाश करेगी। कैमिलिया के घाव वेस्पर के बनाए हुए सिंथेटिक पैच से भरने लगे थे। कैमिलिया उससे इंप्रेस थी, वही वेस्पर को भी उस पर भरोसा होने लगा था, इसलिए वो उसे अपना सीक्रेट ग्रीन हाउस दिखाती है जिसमें उसने ढेर सारे प्लांट्स रखे थे जो उसने खुद बायो इंजीनियरिंग के मदद बनाए थे। उन सभी प्लांट्स की अलग एबिलिटीज थी और पर्सनैलिटीज थे। वेस्पर को उन सब पर प्राउड था, लेकिन वो अब भी सही कॉन्फ़िगरेशन का पता लगा रही थी जिससे वो सीड्स को अच्छी तरह यूज कर सके। जब वेस्पर अपने एक प्लांट से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है तब डेरियस कैमिलिया के पास आकर उसे कहता है कि उसे पता है कि वो उन लोगों को साइटेरल नहीं ले जा सकती। वो चाहता है कि वो वेस्पर के साथ अच्छे से रहे क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करती है। जब वो लोग घर वापस आते हैं तो कैमिलिया वेस्पर से उसकी माँ के बारे में पूछती है। वेस्पर बताती है कि उसकी माँ की आवाज चली गई थी जिसके बाद उसने एक साल पहले उन्हें छोड़कर पिलग्रिम को ज्वाइन कर लिया था। पिलग्रिम वो लोग होते हैं जो अपने फेसेस को एक बड़े मटेरियल से ढकते हैं और हमेशा ग्रुप में चलते हैं। किसी को नहीं पता कि वो लोग इस तरह अपने फेसेस को क्यों ढकते हैं, क्योंकि पिलग्रिम्स कभी किसी से बात नहीं करते। कुछ रूमर्स है कि किसी वायरस की वजह से वो लोग पिलग्रिम्स बने, जिसका मतलब कि उसकी माँ के पास कोई चॉइस नहीं थी। कैमिलिया उसे बताती है कि वो अपने माँ से कभी नहीं मिली। वेस्पर उसे एक बुक निकालकर दिखाती है जिस पर एनिमल्स की ड्राइंग्स बनी हुई थी, लेकिन उसने कभी एनिमल्स को नहीं देखा है, लेकिन कैमिलिया ने देखा है। इसलिए कैमिलिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उसे बताती है कि कौन सा जानवर कैसी आवाज निकालता है। वेस्पर को हैरानी होती है कि साइटेरल में जब रियल एनिमल्स अलाउड है तो सर्वाइवर्स क्यों नहीं। कैमिलिया उसे एक्सप्लेन करती है कि वहाँ के लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर सभी सर्वाइवर्स को उन्होंने अंडर अलाव कर दिया तो उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। वेस्पर्स कहती है कि वो लोग जग्स को क्रिएट करते हैं, लेकिन हम लोग तो उनसे काफी बेहतर काम कर सकते हैं। जिस पर कैमिलिया उसे एक्सप्लेन करती है कि साइटेरल के लोगों को सब कुछ कंट्रोल करना पसंद है और जग्स हमेशा कंट्रोल में रहते हैं और कभी पलट कर लड़ाई नहीं करते। वेस्पर अपनी माँ का पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाती है जिससे कैमिलिया बजाने लगती है। अगले दिन वेस्पर दोबारा से जोनस के घर पर चोरी छुपके घुसती है और ट्रांस रिसीवर यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जोनस डेरियस के ड्रोन को पकड़ लेता है। वो उसे फिक्स करने का नाटक करता है और जोनस वेस्पर से अपने खोए हुए सीड्स के बारे में पूछताछ करता है और साथ ही ग्लाइडर में दूसरे पैसेंजर के बारे में भी पूछता है। वो कहता है कि उसे झूठ पसंद नहीं और खासतौर पर अगर झूठ उसकी फैमिली का मेंबर ही बोले तो। वेस्पर उसे कुछ नहीं बताती और ड्रोन लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन बाहर पहुंचकर वो देखती है कि ड्रोन उड़ नहीं पा रहा। वो टेक ऑफ करते ही नीचे गिर जाता है। ड्रोन ठीक करने की कोशिश करते हुए उसे पेड़ के नीचे एक डेड बॉडी दिखती है जो कि जोनस के असिस्टेंट की थी। वेस्पर सोचती है कि उसे उसकी हेल्प करने के लिए मारा गया है। तभी जोनस के लोग वहां पहुंच जाते हैं और वेस्पर को धक्का मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। वो लोग उसे पकड़कर उसके हाथ पर जोनस की प्रॉपर्टी होने का सील लगा देते हैं। वेस्पर घर पहुंचकर रोने लगती है और कैमिलिया उसे शांत करती है। वेस्पर को बुरा लगता है कि उसने कैमिलिया से झूठ कहा है और वो कन्फेस करती है कि उसके पिता एलियस मर चुका है। इस बात को प्रूव करने के लिए वो कैमिलिया को अपने साथ ले जाती है जहां वो एलियस का बॉडी देखती है जो रिवर में फ्लोट कर रही थी। कैमिलिया अपने फादर को पकड़कर रोने लगती है। वेस्पर उसके डूबने से पहले उसे रिवर से बाहर निकालती है। वेस्पर जब उसे पकड़ती है तो वो देखती है कि कैमिलिया के बैक पर एक अजीब सा घाव है और जब वो उसे टच करती है तो वो रिएक्ट करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैमिलिया असल में एक काफी एडवांस जग है जिसे एलियस ने बनाया था। एलियस को धक्के मार कर साइटेरल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक काफी स्मार्ट स्लेव बनाया था। वेस्पर समझ चुकी थी कि कैमिलिया ने उससे झूठ बोला है और वो उन्हें साइटेरल नहीं ले जा सकती है। गुस्सा होकर वेस्पर उसे धक्का मारकर उसे यहाँ से चले जाने को कहती है और वह वहाँ से वापस घर लौट जाती है। वेस्पर अपने ड्रोन को ठीक करती है और अपने पिता को सब कुछ बताती है। डेरियस उसे कैमिलिया पर इस तरह गुस्सा करने के लिए मना करता है क्योंकि वो जानता है कि जग्स हमेशा सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और कैमिलिया के पास कोई चॉइस नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैमिलिया एक टूल पकड़कर खुद को खत्म करने का डिसाइड करती है, लेकिन वेस्पर टाइम पर पहुंचकर उसे रोक लेती है। वेस्पर अपने पिता की बातों से अब चेंज हो चुकी थी। कैमिलिया कहती है कि अब उसकी लाइफ में उसका कोई पर्पस नहीं है, तो वेस्पर उसे ऑफर करती है कि वो अपनी रिसर्च के लिए कैमिलिया के सेल्स से कुछ सैंपल लेना चाहती है। टेस्ट करने पर पता चलता है कि कैमिलिया के सेल्स लॉक्ड थे। कैमिलिया नोटिस करती है कि वेस्पर कितनी फ्रस्ट्रेट थी। कैमिलिया इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करती है क्योंकि एलियस भी कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बजाता है। यह आइडिया काफी अच्छी तरह काम करता है क्योंकि म्यूजिक की आवाज से कैमिलिया के सेल्स अनलॉक हो जाते हैं और फाइनली वेस्पर साइटेरल के सीड्स को मॉडिफाई करके उन्हें फर्टाइल कर देती है, जिससे वो लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे। और प्रोग्रेस के लिए वेस्पर को और फिल्टर्स की जरूरत पड़ती है। वो जल्दी से पुरानी लैब में जाती है और कुछ टूल्स कलेक्ट करती है।
दूसरी तरफ घर पर कैमेलिया डेरिस की बॉडी का ध्यान रखती है। तब अचानक वहाँ जोनस वेस्पर को ढूंढते हुए पहुंचता है। उसकी नजर कैमेलिया पर पड़ती है। कैमेलिया पहले तो उसके साथ चलने से मना करती है, लेकिन जब जोनस डेरियस को मारने की धमकी देता है तो वो उसके साथ चलने को रेडी हो जाती है। जैसे ही कैमेलिया मुड़ती है, जोनस की नजर उसकी बैक पर बने निशान पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि वो एक जग है। वो उसे धक्का मारकर उसके सेल्स को रीप्रोग्राम करने की कोशिश करता है, जिससे वो उसे अपना नया मास्टर एक्सेप्ट कर ले। तभी वहाँ वेस्पर आकर उसे धक्का मारती है, जिससे उन सभी के बीच लड़ाई शुरू होती है। ड्रोन भी उन्हें ज्वाइन करता है। वो सब लोग किसी तरह जोनस को हरा देते हैं, लेकिन वेस्पर उसे जान से नहीं मारती बल्कि उससे एक डील करती है कि वो साइटरल को कैमेलिया के बारे में नहीं बताएगा, जिसके बदले वेस्पर उसे सीड्स को अनलॉक करना सिखाएगी, जिससे वो अपने लोगों को फीड कर पाएगा। जोनस उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही अपने फार्म पहुंचता है, सबसे पहले साइटरल को कैमेलिया की लोकेशन बता देते हैं। रात होने तक वेस्पर ने सीड्स को अनलॉक करने का पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उन्हें सेलिब्रेट करने का टाइम ही नहीं मिलता। डेरियस का ड्रोन किसी की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेता है, जिसका मतलब है कि साइटरल ने उन्हें ढूंढ लिया है। एक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म उनके घर के एक कोने कोने तक फैला जाता है और फिर एक पॉइजन छोड़ता है। डेरियस अपने आर्मी के दिनों से उसे जानता है और वेस्पर और कैमेलिया को वो वार्न करता है कि वो तब तक सांस ना ले जब तक ये पॉइजन खत्म नहीं होता। इसके बाद उन दोनों को बचाने के लिए कैमेलिया सरेंडर करने का सोचती है, लेकिन डेरियस उसे मना करता है, क्योंकि उसके ऐसा करने के बाद भी वो वेस्पर का पीछा करेंगे, क्योंकि उसने कैमेलिया की हेल्प की। वो उन दोनों को भगाने के लिए कहता है और खुद उन सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है। वेस्पर उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए डेरियस उसे कहीं पास में छुपने को कहता है। तब तक वो सोल्जर्स को बताएगा कि यहां कोई जग नहीं है, इसके बाद वो वापस आ सकती है। सोल्जर्स सबसे पहले जोनस के फार्म के पास आते हैं, जहां वो जोनस और उसके पूरे ग्रुप को मार देते हैं। इसके बाद वो डेरियस के घर पहुंचते हैं, जहां वेस्पर ने सब कुछ इस तरह से कवर कर रखा था कि ऐसा लगे कि यहां कोई रहता ही नहीं। डेरियस जानता है कि सोल्जर्स उसकी बात को नहीं सुनेंगे। उसका प्लान ड्रोन को सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करने का था, जिससे वो सभी सोल्जर्स को मार दे। वेस्पर जंगल से एक्सप्लोजन देखती है और वापस अपने पिता के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन कैमेलिया उसे रोकते हुए कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है। एक्सप्लोजन के बाद भी दो सोल्जर्स बच चुके थे और उनका पीछा करने लगते हैं। वेस्पर बड़ी चालाकी से कैमेलिया के साथ एक जगह आती है, जहां उसे पता है कि कुछ डेंजरस प्लांट्स है जो उन सोल्जर्स को मार सकते हैं। एक सोल्जर तो ट्रैप में फंस जाता है और प्लांट्स के द्वारा मारा जाता है, लेकिन दूसरा सोल्जर ऑब्जर्व कर लेता है और समझ जाता है कि प्लांट्स से किस तरह बचना है। वेस्पर और कैमेलिया के छुपने के लिए अपने घुटनों पर चलने लगते हैं, लेकिन एक प्लांट उन्हें देखकर आवाज कर देता है, जिससे सोल्जर अलर्ट हो जाता है। जैसे ही सोल्जर उनके पास पहुंचता है, वेस्पर और कैमेलिया उस पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं और उसका हथियार लेकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिससे वो प्लांट्स के एरिया में पहुंच जाता है और इसी तरह ये सोल्जर भी मारा जाता है। उन्हें ग्लाइडर की आवाज आती है और कैमेलिया समझ जाती है कि ये सभी उसका पीछा करना कभी नहीं छोड़ेंगे, और इसका मतलब है कि वेस्पर उसके सीड्स भी काफी सेफ नहीं रहेंगे। वेस्पर उसे साथ रहने को कहती है, लेकिन कैमेलिया उसे चुप करने के लिए किस करती है, जिससे वो नींद में चली जाती है। कैमेलिया उसकी बॉडी को पौधों के बीच छुपा देती है और खुद को सोल्जर्स को सरेंडर कर देती है। अगली सुबह जब वेस्पर उठती है तो अपने घर जाती है, जो कि पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो अपने गार्डन में कुछ अनलॉक सीड्स को प्लांट करती है, जिसके बाद वहाँ कुछ बच्चे पहुंचते हैं जो कि जोनस के फार्म में अटैक के बाद बच गए थे। वो सभी पिलग्रिम्स को फॉलो करते हैं, ये जानने के लिए कि वो आखिर जाते कहाँ है। वो लोग उन्हें फॉलो करते हुए एक बहुत बड़े टॉवर पर पहुंचते हैं, जो पिलग्रिम्स ने स्क्रैप्स को कलेक्ट करके बनाया था। वेस्पर बिना डरे टॉवर पर चढ़ जाती है और अपने हाथ खोलती है। उसके हाथ से सीड्स निकलकर हवा के साथ उड़ जाते हैं और अलग अलग कोने में जाने लगते हैं, जिससे वो ग्रो होकर बढ़ने लगेंगे और सभी उसका इस्तेमाल कर सके। और इसके साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें।